नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। मंडी में आज मटर की जो आवक है वो थोड़ी कम है और अभी मटर मंडी में पहुंच रहा है। कुछ जगहों से मटर सोलन सब्जी मंडी में आया है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मटर के भाव में तेजी है, 65 रुपये प्रति किलो तक अभी तक मटर सोलन सब्जी मंडी में बिका है। रिटेल की बात करें तो 75 रुपये तक सोलन ही सब्जी मंडी में ही मटर की रिटेल हुई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अब मटर की जो आवक है वो कम होती जा रही है, तो मटर के भाव में भी अब तेजी आनी शुरू हो गई है। हालांकि पूरे सीजन यदि मटर का देखें तो 40 से 50 रुपए के बीच में ही मटर का मैक्सिमम ऑन एवरेज रेट रहा है। 40 और 50 बीच में थोड़े दिनों के लिए 35 रुपए भी रहा मैक्सिमम रेट, लेकिन ज़्यादातर रेट 40 और 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ही सोलन सब्जी मंडी में मटर बिका है। लेकिन पिछले कुछ समय से यानी पिछले 8-10 दिनों से मटर का भाव 60 रुपए को क्रॉस कर चुका है और सोलन सब्जी मंडी में आज 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मटर बिका है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में मटर की आवक होती थी, लेकिन आज प्लेटफॉर्म काफ़ी खाली है और ये स्थिति पूरी मंडी में है। वजह ये भी है कि मटर का कल उड़ान नहीं हो पाया बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि बारिश थी और बारिश होने की वजह से किसान उड़ान नहीं कर पाए हैं। तो इसका भी कारण है कि आज मटर की जो आवक है वो मंडी में कम हुई है। और लेकिन कल तक बड़ी मात्रा में मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचेगा ऐसा अनुमान है और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब सीजन भी समाप्ति की ओर है, लेकिन कुछ दिनों बाद लाहौल स्पीति का मटर पहुंचना शुरू हो जाएगा और जब लाहौल का मटर मंडी में आता है तो उसके रेट 100 रुपए के आसपास ही रहते हैं। और इस बार भी इसी तरह की संभावना है, जिस तरह की तेजी मटर में बनी हुई है तो आने वाले दिनों में मटर के भाव में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो सोलन सब्जी मंडी में आज मटर जो बिका है 65 रुपए तक मैक्सिमम रेट रहा है और रिटेल की बात करें तो रिटेल 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज मटर की हुई है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी में इस वक्त जो मटर आ रहा है जिला शिमला, जिला सिरमौर, सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्र और मंडी के करसोग और चायल चौक का मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है और कई दिनों से इन्हीं क्षेत्रों से मटर की आवक मंडी में है। बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति हो रही थी, अभी तक 300-400 क्विंटल के आसपास मटर पहुँच रहा था, लेकिन आज नहीं लग रहा है कि 200 क्विंटल तक भी मटर मंडी में पहुँचा होगा। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि कल कई जगहों पर प्रदेश में बारिश हुई, झमाझम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ, तो उसका भी असर मटर की आवक पर पड़ा है। क्योंकि किसान बारिश की वजह से मटर का उड़ान भी नहीं कर पाए, कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई, तो उससे भी मटर की फसल को थोड़ा नुकसान हुआ है। सोलन सब्जी मंडी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंडी में अब लहसुन की आवक भी लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह के समय भी हमने कुछ आपको तस्वीरें लहसुन की दिखाई थी, 120 रुपये प्रति किलो तक लहसुन सोलन सब्जी मंडी में बिका था। और अभी भी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि सोलन सब्जी मंडी में सब्जियों की बिकवाली जारी है। बड़ी मात्रा में किसान व्यापारी मंडी की खरीद यहाँ पर कर रहे हैं। लहसुन की तस्वीरें इस वक्त आप देखें कि मंडी में बड़ी मात्रा में लहसुन की आपूर्ति इस वक्त हो रही है और सुखाने के लिए लहसुन यहाँ लहसुन का सीजन अब शुरू हो गया है।
तस्वीरें आप देखें। हिमाचल प्रदेश में, यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक लहसुन का उत्पादन जिला सिरमौर में होता है। तो जिला सिरमौर से तो अभी लहसुन की आवक शुरू नहीं हुई है, लेकिन सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में अब लहसुन पहुँचना शुरू हो गया है। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की, सुबह के वक्त मंडी में 120 रुपये तक लहसुन बिका था, और यदि आने वाले दिनों में यदि सूखा हुआ लहसुन मंडी में आएगा तो रेट में 150 रुपये के आसपास भी आजकल के दिनों में बिक सकता है। तस्वीरें आप एक बार फिर से लहसुन की हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी मात्रा में लहसुन की सुबह के समय भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 बजने वाले हैं और सब्जियों की बिकवाली अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में खरीदार सब्जियों की खरीदने के लिए सब्जी मंडी में पहुंचे हुए हैं, और टमाटर के भाव में आज थोड़ी नरमी थी, 450 रुपये तक सोलन सब्जी मंडी में आज टमाटर बिका है, और लोकल गोभी 21 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में गोभी बिकी है। मटर तस्वीरों के आप देख रहे हैं कि जिला सिरमौर, जिला शिमला के चौपाल, नेरवा और सोलन के धारों की धार गलानंग से बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा जो मटर आ रहा है वो करसोग का सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। करसोग का मटर हो चाहे शिमला का मटर हो, आज 65 रुपये प्रति किलो तक मंडी में बिका है। रिटेल 75 रुपये तक भी हुई है, और कुछ एक जगहों पर आज 65 रुपये प्रति किलो तक मटर बिका है, जो अभी मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है। क्योंकि मटर की आज आवक कम है, कम मात्रा में मटर पहुंचा हुआ है मंडी में, जिस तरह का देखते थे। चुकंदर आज 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। चुकंदर की बात करें तो 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में, सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुंडीर मुनीष जी हमारे साथ, मनीष जी जुड़े हैं, वीर सिंह जी ठाकुर, राजेश छिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं हम। अमर सिंह जी का ठाकुर, राजेश छिंटा जी का, दिनेश सोनी जी, केवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मटर का इस वक्त तुलाई भी हो रही है, कुछ मात्रा में मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है, और आज 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मटर की का रेट रहा है। लेकिन आज कम मात्रा में मटर की आवक सोलन सब्जी मंडी में हुई है। वजह है कि कल बारिश थी कई जगहों पर, और जिसके कारण किसान मटर का तुड़ान नहीं कर पाए, और उसका असर कहीं ना कहीं मटर की आपूर्ति पर आज देखने को मिला है। कल हो सकता है, कल की संभावना है कि बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में मटर की आपूर्ति होगी। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लहसुन भी अब लोकल पहुंच रहा है सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों से। 120 रुपए तक लहसुन का सुबह के वक्त रेट था, आने वाले दिनों में लहसुन के रेट में और बढ़ोतरी भी हो सकती है। जिला सिरमौर का लहसुन अभी मंडी में नहीं आ रहा है, अभी सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों का लहसुन ही सोलन सब्जी मंडी में पहुँच रहा है। करसो का मटर भी आज 65 से लेकर 67 रुपये के बीच में ही है, कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं है। क्योंकि जो शिमला के हाइट वाले क्षेत्र है या फिर सिरमौर के हाइट वाले क्षेत्र है, वो करसो के मटर को भी टक्कर इस वक्त दे रहे हैं। वो भी अच्छी क्वालिटी है और शानदार क्वालिटी का मटर होने की वजह से सबके अब एक जैसे ही भाव चले हुए हैं। सीजन भी अब समाप्ति की ओर चल पड़ा है, आने वाले दिनों में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, और सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ सुबह के वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन सब्जी मंडी की दिखा रहे थे। मंडी में आज लहसुन बड़ी मात्रा में तो नहीं कहेंगे, बड़ी कम मात्रा में पहुंचा है। वजह है कि कल बारिश थी, बारिश की वजह से किसान मटर का तुड़ान नहीं कर पाए, और उसका असर कहीं ना कहीं मटर की आपूर्ति पर आज देखने को मिला है। लहसुन आज मंडी में पहुंचा बड़ी मात्रा में, 120 रुपये तक मंडी में बिका है। सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों से लहसुन की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है। मटर अभी 65 रुपये तक मंडी में मैक्सिमम रेट रहा है। रिटेल की बात करें तो मंडी में ही 75 रुपये तक बिका है। तो बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में तो 90 और 100 रुपये के बीच में ही लहसुन का रेट होगा, क्योंकि लहसुन के रेट में तेज़ी है।
करसो का मटर भी अब करसो के मटर की आवक कम हो गई है। कुछ दिनों बाद लाहौल स्पीति का मटर सोलन सब्जी मंडी में आना शुरू होगा, क्योंकि मटर ने तेजी पकड़ी है तो लाहौल स्पीति का मटर भी तेजी मंडी में बिकेगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी 100 और 100 रुपये के आसपास ही लाहौल स्पीति का मटर बिक रहा था, तो इस बार भी इसी तरह के भाव रहने की संभावना है। तो सूरी सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके धन्यवादी भी हैं, आभारी भी हैं। और दिन भर की खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। राजन चौहान जी हमारे साथ, ठाकुर राजेश छिंटा जी, रेट बढ़िया है, चुकंदर भी बढ़िया रेट चला है जी। जी बिल्कुल इसी तरह के भाव हैं। और राजन चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी।